अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी अल्लाह के रहम से और आप लोगों की दुआ से ठीक है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बेडशीट चेंज करके नया फ्रेश बेडशीट बिछा दिया हूँ और ये बेडशीट अभी मशीन में डालना है। तो गंदा हुआ था तो मैंने उठा लिया और नहाना धोना मेरा कम्प्लीट हो गया है, उसके बाद ही मैंने बेडशीट चेंज किया और अभी से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। और आप सबको स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में और आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह की रहम से आप सब लोगों की दुआ से हम सब भी ठीक है। तो आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में और एक बार और इस ब्लॉग्स में। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और कितना अच्छा नज़ारा है मेरा बेटा कॉमेडी, बाप की तरह कॉमेडियन है। आज बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, धूप नहीं निकला है, एकदम पूरा बादल छाया हुआ है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो मेरा नहाना धोना नाश्ता वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, बेडशीट भी मैंने चेंज कर लिया और अभी बस लंच बनाना बाकी है। तो सारा काम मैंने मॉर्निंग से कर लिया है और सब मेरी घर की रूम की साफ सफाई हो गई, क्लीनिंग वगैरह हो गई है, बस लंच बनाना भी बाकी है और कुछ छोटा मोटा काम है वो भी अभी करूँगी तो दिखाऊँगी वो क्या है छोटा मोटा काम। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा और जो भी नए दोस्त चैनल में आते हैं वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद भी फिर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वो सब्सक्राइबर कट हो जाता है, वो नहीं रहता है, फिर हम भी आपके चैनल में नहीं जा पाते हैं। तो जो भी आते हैं नए, पहली बार कम से कम फुल वॉच कीजिए वीडियो को, उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पास में जो बेल आइकन है घंटी, उसको टंग करके दबा दीजिए और ऑल कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज तो क्लीनिंग ब्लॉग है पर आज किचन क्लीनिंग नहीं, रूम क्लीनिंग नहीं, आज बेडरूम में जो मेरी सजने संवरने की चीज़ है, मेकअप का सारा सामान, उन सारी चीज़ों का मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ, फुल क्लीनिंग। तो मेरी बेडरूम में जो मेरे मतलब आईना के पास जो मेरा सारा सामान मैं रखती हूँ, सारा मतलब चूड़ी कंगन वगैरह मेकअप की सामान, तो सारा तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ ना, थोड़ा बहुत ही बस बिंदी लिपस्टिक और पाउडर वगैरह यूज़ करती हूँ। तो बस डेली का यूज़ जो करती हूँ बस वही यूज़ करती हूँ और बाकी सारा जितना भी होता है वो तो सब रखा हुआ था ना, उसके डब्बे के ऊपर पूरा धूल धूल जम गया था, तो मैं सोचा आज इसी में लग जाती हूँ पूरा और इसको सारा क्लियर करूँगी। तो ये पलंग के नीचे देखिए मेरे हस्बैंड का जो ड्यूटी का उन लोग ऑफिस का जो बक्सा होता है ना वो रखा हुआ है, अभी इसको अच्छे से मैंने पोछा वोछा कर लिया है, इस पर भी धूल धूल जम गया था और अच्छे से एकदम कपड़ा रख दिया इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर ही मैं अपना सारा डब्बा डुब्बी जो है रख दूँगी अच्छे से सजा के। तो पूरा भी फैला के निकालना है इतना सारा, देखिए ये एक बकेट है और एक बकेट है, इसमें भी सारा रखा हुआ है मेरे जो रेगुलर ये हेयर ड्रायर मशीन सब कुछ, तो ऐसे खुला है था तो थोड़ा धूल धूल जम गया है, सोचा आज इसको सारा समेटती हूँ। और जब निकाला इतना सारा हो गया कि देख के मुझे तो चक्कर आ गया, मतलब बाप रे इसको तो समेटने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब मैं पूरा कंप्लीट किया इसको तो पूरे 2 घंटे लग गए, मुझे खाना बनाने तक का टाइम नहीं मिला, अभी लगी हूँ तो इसको छोड़ के भी नहीं उठ सकती हूँ और धूल वूल गंदा वंदा हो गया था पूरा। तो जब तक क्लियर नहीं करूँगी एक काम को छोड़ के फिर खाना कैसे बनाऊँ, और नहाने के बाद ये धूल वूल मुझे करने को मन नहीं करता है। तो सोचा रोज़ करूँगी करके पेंडिंग रह रहा था, सोचा आज इसको निपटा के ही मैं छोड़ूंगी और आज थोड़ा फ्री भी हूँ। तो सारा बकेट को मैंने खाली कर लिया जो भी था और इतना धूल जमा हुआ था उसको अच्छे से पानी से साबुन से वॉश कर लिया, अभी इसको थोड़ा बेल्कनी में रख दूँगी ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए, फिर इसको पोंछ पाछ के फिर जो भी सामान जिसमें रखना है फिर रखूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ फिर के क्या क्या मेरे कचरा निकला है इधर से, मेकअप की सामान से और घर के सजने संवरने की सामान से मेरा कितना कचरा निकला है दिखाती हूँ आप लोगों को, शेयर करती हूँ। तो इसको मैंने सारा वॉश कर लिया अच्छे से, एकदम झकाझक कर लिया, अभी इसको बेल्कनी में रख देती हूँ। बकेट को मैंने धूप में रख दिया है, ये तो 5-10 मिनट में पानी इसका निकल जाएगा, फिर मैं पोछा कर लूँगी। और ये देखिए मैंने आम का अचार बनाना है, नमकीन आम का अचार, तो ये काट के हल्दी नमक लगा के अभी धूप में रख दिया हूँ। धूप तो है नहीं, धूप तो बिल्कुल नहीं निकला है, थोड़ा थोड़ा बादल छाया हुआ है, फिर भी थोड़ा थोड़ा धूप का असर तो है, तो मैं सोचा दे ही देती हूँ थोड़ा बहुत जो भी हल्का आएगा धूप। और ये देखिए ये कोने से मेरा कितना कचरा निकल रहा है, इतना ज़्यादा गंदा, मतलब नहाने के बाद मुझे बहुत ही फिर बुरा लग रहा था, मैं बोला क्यों आज मैं ये सब करने बैठ गई हूँ, अब निकल दिया है तो इसको फिर समेटना ही है, ऐसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो मुझे चलो ठीक है, मैं बोला गंदा होती हूँ तो होती हूँ, और एक बार नहा लूँगी पर आज इसको समेट के ही सारा छोड़ूंगी। तो सारा कचरा धूल मैंने साफ किया, इसके बाद फिर पोछा करूँगी अभी और सब कुछ, अभी देखिए पोछ के मैं रख रही हूँ डब्बे के अंदर, कौन से डब्बे में क्या रखना है अभी इसको ठीक करना है।
तो बहुत सारा मतलब क्या बताऊँ, जब भी मार्केट जाती हूँ कान का नहीं तो कंगन या रिंग्स, मतलब मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। पहनती कम हूँ, कुछ भी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, पर शौक़ बहुत है ख़रीदने का। तो खरीद के इतना ज़्यादा हो गया, तो अभी मैं एक डब्बे में अपना सारा चूड़ी और कंगन जो है वो रख रही हूँ, और एक डब्बा अलग से है उसमें बहुत सारा चूड़ियाँ कंगन रखा हुआ है। वो तो कभी पहनती नहीं हूँ, तो उसको भी मैंने खोला ही नहीं, वो ऐसे ही पैक किया हुआ है। जो मैं पहनती हूँ कभी कभी चूड़ी कंगन, उसको अभी इस डब्बे में रख लिया ताकि सामने ही मुझे मिल जाए सारा चूड़ी कंगन। कभी कभी मैचिंग करके पहन लेती हूँ ना, हाथ का बाला ये वो, तो इसको मैंने इस डब्बे में भर लिया है। और जो अभी इयररिंग्स और चेन का है तो और एक डब्बे में भरा है। सारा देखिए मैंने कर लिया है, इतना सारा दिखाना वीडियो में पॉसिबल नहीं था, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता क्योंकि बहुत टाइम लग गया मुझे। तो ये मेरे सारा हेयर बैंड्स का रबर का ये मैंने बनाया है, और ये बकेट, ये मैंने सारा सनस्क्रीन वगैरह जो लोशन है, मुँह का क्रीम, ये सब लगाया रखा है, और ऊपर वाले में सारा मेरा क्लिप है। ये बकेट मैंने ठीक कर लिया है, दूसरा बकेट मैंने अभी नहीं सजाया। और इस डब्बे में मेरा सारा मेकअप का सामान जो है, निविया क्रीम, लिपस्टिक, बिंदी, मेकअप, काजल, आईलाइनर, सारा कुछ इसमें ही रखा हुआ है इस डब्बे में, ताकि मुझे सब एक साथ मिल जाए जब भी मुझे ज़रूरत पड़े। तो इस डब्बे में इसको रख लिया। और छोटे में बकेट में देखिए, छोटा छोटा जो मैंने हेयर क्लिप्स है ये एक छोटा सा कटोरी में रखा है, और ये दूसरा कटोरी में मैंने सारा साइड क्लिप रखा है, और इधर मैंने इयररिंग्स और गले का जो हार है, देखिए कितना सारा हो गया जमा खरीद खरीद के, इसको एक डब्बे में रख दिया। तो सारा मैंने अच्छे से सुंदर से सजा लिया, और सारे डब्बे को अभी रख दे रही हूँ अच्छे से इधर। और कितना साफ़ लग रहा है दिखने में, कितना कचरा लग रहा था, धूल लग रहा था, मुझे खुद भी अजीब लग रहा था, पर ये रमज़ान के चलते मैं कुछ भी सही से नहीं कर पा रही थी काम ना। तो अभी तो रमज़ान ईद सब चला गया, तो सोचा आज इसको मैं निपटा के छोड़ती हूँ। तो सारा आज इस रूम के पीछे और मेरा सारा सामान के पीछे आज पड़ गई। तो खाना बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला आज, इतना करते करते मेरा 2:30 बज गए। तो बेटा बोला ठीक है मम्मी आज डोसा खा, बहुत दिन नहीं खाया तो आज डोसा दुकान से लाती हूँ। तो बेटा जाके दुकान से डोसा लाया है, तो हम लोग अभी लंच कर रहे हैं, 3 बजे, इतना लेट हो गया है। तो छोटा सा ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नए दोस्त चैनल में आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो बस आज का ब्लॉग इतने तक ही रख रही हूँ, और ये देखिए मेंदू बड़ा, ये है डोसा, ये मूँगफली की चटनी और सांभर। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।